हाय गाइस, वेलकम टू मॉम्स किचन। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन अदरक नींबू की बहुत ही टेस्टी चटनी, जो पूरी के साथ, लिट्टी वगैरह के साथ खाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये के लिए हमें चाहिए लहसुन, हमने 2 कली लहसुन ले लिए, 2 नींबू और 2 अदरक की कली ले लिए और कम से कम 7-8 हरी मिर्च ली है हमने। ये बहुत तीखी है इसीलिए हमने इतनी ही ली है। अगर आपकी हरी मिर्च ज़्यादा स्पाइसी नहीं हो तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से आप अदरक को पूरा छील लीजिए, आप नाइफ से छील सकते हैं, पीलर से छील सकते हैं, ताकि उसका ऊपर का जो स्किन है वो पूरा निकल जाए। इसे मिर्ची के डंठल तोड़ के रख लीजिए और अदरक को हमने छोटा छोटा काट लिया है। फर्स्ट टर्न में हमने खाली मिर्ची और अदरक डाली है, उसी को पीसेंगे, बाद में हम लहसुन डालेंगे। देखिए इस तरह से दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं डाला पीसा है, पानी नहीं डाला था इसमें, तो ऐसे ही डायरेक्टली हमने ग्राइंड कर लिया था। जो बचा हुआ लहसुन था वो डाल दिया है, एक्चुअली सारा लहसुन, हमने इसके पहले पीसा ही नहीं था लहसुन, तो अब लहसुन डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। लहसुन है ना, पूरा पिसाता नहीं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होता है इस चटनी में, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग चटनी होती है, अगर पानी डाल देंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सो इसमें डायरेक्टली हम लेमन डालेंगे, 2 लेमन काट के हम उसका जूस डाल रहे हैं और ग्राइंड कर रहे हैं। तो हमने लेमन जूस डाल के और इसको ग्राइंड कर लिया, अब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा अगेन बारीक नहीं पीसते हैं, तो इस टाइप का टेक्सचर होता है इसका। अब इसमें नमक और सरसों तेल पड़ेगा, ये बिल्कुल अचार की तरह लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और काफी दिन चलता है, कम से कम 1 महीना चलता है ना, 6-6 महीने तक चलता है, हमारी मम्मी बता रही। तो इसमें लगभग हमने 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून लगभग 2-2.5 टेबलस्पून सरसों तेल डल जाएगा। सरसों तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कच्ची दानी सरसों तेल या घर में जैसे जो प्योर सरसों तेल आता है वो है, जो भी सरसों तेल आपको डालना है वो डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सरसों तेल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ सरसों, और ये हमने थोड़ा सा मेथी दाना दिया हुआ है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मंगरेला, मंगरेला को हम कलौंजी भी बोलते हैं, और 1 टीस्पून अजवाइन भी डालेंगे। ये तैयारी चल रही है, इसमें हमने 2 टेबलस्पून सरसों तेल लिया है, इसको अच्छे से गर्म करने होने देंगे कि इसमें से लगभग फ्लेम्स जीरा राई जलाने के लिए उठ जाए, अच्छा से गर्म हो जाए। सो सरसों का तेल गर्म हो गया, इसमें हमने जो फ़ोरन बनाया हुआ है 5 चीज़ों का वो डाल दिया। चटनी के ऊपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब आप इसको चाहें तो धूप में रख सकते हैं, और धूप में रख के थोड़ा सा जैसे अचार को धूप दिखाते हैं ना, वैसे ही थोड़ा इसको 1-2 दिन धूप दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। बट ये ऐसे भी रेडी है खाने के लिए, इसे हम लिट्टी के साथ, समोसे के साथ, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगती है ये चटनी। सो आप भी ये चटनी ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू मॉम्स किचन।